हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट यूसुफ जैक्स। गाइस, इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं पोको X2 और रेडमी नोट 9 प्रो के बीच में एक स्पीड टेस्ट, देखने के लिए कि कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेटर है। एक 13,000 का है, एक 16,000 का है, तो 3,000 का फ़र्क है दोनों में। तो आइए देखते हैं कि कौन सा जो है बेटर रहेगा। दोनों में MIUI ही डाला हुआ है और टेस्टिंग जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे फ़ोन को ऑफ करके ऑन करने से। ठीक है, देख लें पहले कौन सा ऑफ होता है। यहाँ तक के यार पावर बटन भी दोनों में एक जैसा ही है। ओके, तो दोनों को दबा रहा हूँ मैं, एक साथ मैंने दबाया, दोनों ही एक साथ ऑफ हो गया। अब वक्त है दोनों को ऑन करने का। तो एक साथ हम लोग दोनों पे ऑन बटन पे प्रेस किए हुए हैं, देख सकते हो आप, इधर भी प्रेस है, इधर भी प्रेस है। ओके, ऑन नहीं हुआ, लगता है बंद नहीं हुआ था। तो फिर से हमने प्रेस कर दिया और ओके, तो पहले पोको के अंदर लाइट ब्लिंक हुआ, उसके बाद आप देख सकते हो नोट 9 प्रो के अंदर लाइट ब्लिंक हुआ। पोको जो है वो मेरे लेफ्ट हैंड में है और रेडमी नोट 9 प्रो जो है वो मेरे राइट हैंड में है। तो दोनों ही डिवाइस ऑन हो रहे हैं, देखते हैं कि पहले जो है ऑन कौन सा होता है। इसके बाद आपको बेटर आइडिया मिल जाएगा कि कौन सा फ़ोन आपको अपने लिए लेना चाहिए। तो पहले भाई साहब पोको X2 ऑन हुआ है, जो कि आपने देखा ऑन स्क्रीन। यहाँ पर मैं पासवर्ड खोल के इसको रेडी कर लेता हूँ। आप देख सकते हो बैकग्राउंड मेरे कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर रही है। और हाँ, ये भी मैं बता दूँ, दोनों ही बेस वेरियंट है 4 GB वाला, ठीक है। और यहाँ पे नोट 9 प्रो भी ऑन हो गया, हालांकि नोट 9 प्रो को डीले लगा ऑन होने में, जैसा कि आपने देखा, ठीक है। और थोड़ा सा लोडिंग टाइम भी इसका ज़्यादा है, ये अभी तक स्क्रीन इसमें लोड हुआ नहीं है, हो रहा है, ठीक है, हो गया। अब आप देख सकते हो बैकग्राउंड में कोई भी एप्लीकेशन रन नहीं कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग टेस्टिंग जो है कुछ एप्लीकेशन के साथ करने वाले हैं जो लोग रेगुलर यूज़ करते हैं, जैसे कि यूट्यूब। और हाँ, मैं बता दूँ, दोनों ही फ़ोन का अपना खुद का इंटरनेट है और दोनों ही फ़ोन अपना इंटरनेट कनेक्शन अभी किसी को बांट नहीं रहा है, ठीक है, मतलब हॉटस्पॉट हमारा बंद है। ओके, और दोनों में एयरटेल का ही सिम है। तो सबसे पहले हम लोग यूट्यूब खोलते हैं, दोनों में अकाउंट मेरे लॉगिन है, तो देख सकते हो यूट्यूब खुल गया। हालांकि यूट्यूब पहले रेडमी नोट 9 प्रो में खुला, जैसा कि हमने देखा। दूसरा एप्लीकेशन हमारा स्पीड टेस्ट का है, तो स्पीड टेस्ट के एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। मैं यहाँ पर फ़ोन रखता हूँ, ठीक है, मे बी आपको दिख जाए साफ साफ, तो मुझे यूज़ करने में थोड़ा आसानी होगा, हो सकता है आपको देखने में टेढ़ा लगे। तो गो पे टैप करते हैं, दोनों ही फ़ोन जो है स्टार्ट एक साथ हुआ है गो पर, और देखते हैं कि पहले किस में जो है शुरू होता है। ओके, तो यहाँ पर टेस्टिंग शुरू हो चुकी है। पहले जो है टेस्टिंग पोको X2 में स्टार्ट हुई है, जैसा कि हमें देखने को नज़र आ रहा है। ओके, मैं थोड़ा सा कैमरा को ही टेढ़ा कर देता हूँ ताकि हमें सही फ्रेम मिल जाए। ओके, सही फ्रेम मिल गया। अब देखो यहाँ पर जो है डाउनलोडिंग स्पीड कंप्लीट हो चुका है, अपलोडिंग स्पीड का टेस्टिंग हो रहा है। और पोको X2 की जो स्पीड है स्पीड टेस्ट की, वो ज़्यादा फास्ट चल रही है एज़ कम्पेयर टू रेडमी नोट 9 प्रो। बट देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट का जो ऑप्शन है वो पहले किस में शो होता है। तो वो पहले शुरू हुआ है, शो हुआ है पोको X2 में। यहाँ पे स्पीड 22.7 Mbps की डाउनलोडिंग और अपलोडिंग 1.55 Mbps की है। वहीं नोट 9 प्रो के अंदर जो है यही चीज़ जो है आप देख सकते हो दोनों ही कम है, बल्कि अपलोडिंग ज़्यादा है, डाउनलोडिंग वाली जो है कम है, जैसा कि स्क्रीन पे देखने पे नज़र आता है। सो इसको हम लोग जो है मिनिमाइज़ कर देते हैं। अभी सब कुछ जो है मिनिमाइज़ करके रखा हुआ है, ये आप हमेशा याद रखना, ठीक है। अब अगला एप्लीकेशन हमारे पास कौन सा है, तो पबजी है। पबजी में आई थिंक दोनों में एक ही अकाउंट लॉगिन है, तो मैं अगर खोलूँगा तो किसी एक का डाउन हो जाएगा, तो उसको छोड़ते हैं। पहले टिकटॉक चेक करते हैं, टिकटॉक हर कोई यूज़ करता है, मानो ना मानो यार, ये भी सच है। जिसका तो पेट भरा हो और दूसरों की भूख नहीं। जैसा कि गाइस आपने देखा कि पहले पोको X2 के अंदर ओपन हो गया एज़ कम्पेयर टू नोट 9 प्रो। इसके बाद जो हमारा अगला एप्लीकेशन है वो अमेज़न है। अमेज़न की ऐप हर कोई यूज़ करता है, यहाँ पर पहले पोको X2 के अंदर ओपन हुआ है। उसके बाद देन हमारा गूगल क्रोम है, तो क्रोम को भी देख लेते हैं खोल के कि किस में पहले ओपन होता है। तो जैसा कि गाइज आपने देखा कि पहले ओपन जो है वो रेडमी नोट 9 प्रो के अंदर हुआ है, उसके बाद जो है पोको X2 के अंदर ओपन हुआ है। यहाँ पे गूगल क्रोम की मैं बात कर रहा हूँ। टेलीग्राम देख लेते हैं पहले किस में ओपन हुआ, तो टेलीग्राम पहले जो है नोट 9 प्रो में ओपन हुआ है एज़ कम्पेयर टू पोको X2, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारा शेयर मी, जो बाई डिफ़ॉल्ट शेयरिंग ऐप है, तो ये भी आप देख सकते हो पहले पोको X2 का रेडी हुआ था, बाद में नोट 9 प्रो का हुआ। हॉटस्टार भी हम लोग चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं पहले किस में ओपन हुआ था। हालांकि हॉटस्टार का लेटेस्ट वर्जन इसके अंदर है और पुराना वाला वर्जन है पोको X2 के अंदर, बट जो ओपनिंग टाइम है वो रेडमी नोट 9 प्रो का फास्ट है एज़ कम्पेयर टू पोको X2। पोको X2 में अब जाके ओपन हुआ है। चलो इसको बंद कर देते हैं। उसके बाद अगला जो मैंने एक छोड़ा था वो था पबजी, ठीक है। तो पबजी को ओपन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो पहले पबजी जो है पोको X2 में स्टार्ट हुआ, बट देखते हैं कि खुलेगा तो भाई किसी एक ही में। एग्जैक्टली पबजी ओपनिंग टाइम मैं नहीं बता पाऊँगा,
क्योंकि दोनों जगह एक ही आईडी लॉगिन है, तो वो फंसेगा ही फंसेगा आगे चल के, आई होप कि फंसेगा। लेकिन आगे देख रहे हो पोको एक्स टू चल रहा है एज़ कम्पेयर टू नोट नाइन प्रो। नोट नाइन प्रो में ज़रा सा डीले चल रहा है, ठीक है, तो देखते हैं कि ओपन एक्चुअली में पहले किस में होता है। वैसे इतना देर टेस्ट करने के बाद मुझे ये समझ में आया यार कि दोनों जो है 19-20 बराबर ही है, बट पोको एक्स टू थोड़ा सा बेटर है। तो अगर आपके पास बजट हो तो आप पोको एक्स टू पर जा सकते हैं, लेकिन अगर आप गेमर हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप पोको F1 पे ही जाइए, क्योंकि पोको F1 की जो फिर भी स्पीड है वो इन दोनों से बेटर है। देखो लास्ट में ये पकड़ा गया लॉगिन के नाम पर, पोको X2 ही पकड़ा गया, नोट 9 प्रो में खुल गया, उल्टा पुल्टा हो गया, ठीक है। तो इसको यहीं पे बंद कर देते हैं और अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं पोको X2 के साथ टेस्टिंग पर। पोको X2 को भी तो टेस्ट करना है ना, सॉरी पोको F1 को भी तो टेस्ट करना है ना। पोको F1 की वीडियो चैनल पे आ जाएगी, इससे इस वीडियो के बाद आ जाएगी, तो चैनल सब्सक्राइब करके रखना, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा उसका भी।